FPGA stands for. FPGA का मतलब क्या होगा? देखिए अपने पास ऑप्शन है फास्ट पैरेलल गेट एरे, फास्ट प्रोग्रामेबल गेट एरे, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, नन ऑफ द अबव. क्या लगता है आपको? ये तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे. अब FPGA या फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे होता क्या है? देखिए जो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे है, जो कि आप ये देख रहे हैं, यहां पर एक इंटीग्रेटेड सर्किट की बात हो रही है. ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, यानी कि एक ही सर्किट में सब कुछ है. मेन इंपॉर्टेंट बात है कि एक बार आपने फैक्ट्री में इसको बना दिया, उसके बाद भी आप इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक काम के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए. तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग, तो FPGA पे कर सकते हैं. इसमें फील्ड प्रोग्रामेबल एक शब्द आया है. इसका मतलब यह है कि FPGA को आप ऑन द फील्ड, यानी कि आप जहां पर गए हैं, किसी जगह पे गए, किसी फील्ड पे गए हैं, वहां पर भी इसको प्रोग्राम कर सकते हैं. क्योंकि एक बार यह रिलीज कर दिया गया मैन्युफैक्चरर द्वारा, तो कई सारे हार्डवेयर है जिसपे कोई चेंज नहीं कर सकते आप. FPGA का काम ही यही है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको कॉलेज में सिखाया जाता है. बनाया किसने था इसको? Xilinx. ये Xilinx ने, जो इस टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरर है, पहली बार FPGA को 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद तो हिस्ट्री है. यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि ये एक मैंने ब्लॉग दिखाया है FPGA का. इसमें आप ये देखिएगा, ये सारे प्रोग्रामेबल लॉजिक ब्लॉक्स हैं, सिंपल जो लॉजिक गेट्स आपने पढ़े हैं वो सभी हैं ये, और यहां पर इंटरकनेक्टिविटी है. तो इस तरीके से एक नॉर्मल भी आदमी आराम से FPGA के थ्रू प्रोग्रामिंग या हार्डवेयर प्रोग्रामिंग सीख सकता है. मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं. ये आपको काउंटर बनाना है FPGA में, तो FPGA में काउंटर बनाने के लिए आपको ये एक VHDL का एक कोड लिखा हुआ है. तो इस तरीके से आसानी से FPGA के थ्रू आप कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं.